वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, डेवोलिना भट्टाचार्य ने इस बार क्यों बनाया सिद्धार्थ शुक्ला को अपना निशाना, और क्यों कहीं सिद्धार्थ के लिए ऐसी बातें, और क्या कहना चाहती हैं या क्या करना चाहती हैं वो तो आप ही डिसाइड कीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि जब से कल सलमान खान वो आकर कह गए हैं कि रश्मि और डेवोलिना कुछ नहीं कर पाई, उनका यही कहने का मतलब था। लेकिन शहनाज गिल जो बाहर से खाली हाथ आई थी, लेकिन जब गई तो झोलियां भर भर के, यानी ढेर सारे फैंस, और इतने कि देश विदेश दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में उनके फैंस हैं, ये कहने की उन्होंने कोशिश की। और डेवोलिना और रश्मि का क्लियरली नाम लेकर उन्होंने कहा कि इतने नामचीन नाम यहाँ पर आए थे पिछले सीजन में, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वही अब ये बात चुभी है डेवोलिना को, लेकिन अगर वो शहनाज गिल का नाम लेती हैं और कुछ कहती हैं तो बगावत हो जाएगी सीधे सलमान खान से। अब सलमान खान से बगावत करना कौन जो है मोल ले सकता है सलमान से बगावत, और कौन दुश्मनी मोल लेगा सलमान खान से, तो भाई डेवोलिना भी नहीं लेना चाहती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हें भी जो है इस चीज का डर है कि सलमान इस बात का जरूर बुरा मानेंगे। तो मैडम शहनाज को कुछ नहीं कह पाई तो सिद्धार्थ को बना दिया अपना निशाना, टारगेट बनाया सिद्धार्थ शुक्ला को। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक यही कहते नजर आते थे कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही सिंपल हैं, सेंसिबल हैं, वो समझदार हैं, उन्होंने बच्ची मान के रखा हुआ है, एज अ फ्रेंड रखा है, ये है वो है। लेकिन अब भाई जब ये सारे पैतरे नहीं चले हैं और सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल पंजाब में गए, और जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का जेस्चर देखा है लोगों ने शहनाज के प्रति, उन्हें कार में डोर ओपन करके बैठाना, उन्हें उतारना, उन्हें पब्लिक से प्रोटेक्ट करके कार में बैठाना, सब कुछ, तो भाई आग तो लगी है और जली हुई तो सबकी है। लेकिन अब इस आग में जो है चिंगारी का काम किया है सलमान खान की कल रात वाली बातों ने, तो डेवोलिना ने अपना जो गुस्सा है वो सिद्धार्थ शुक्ला पर उतारा है, उन्हें निशाना बनाया है। क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताते हैं। हुआ ये जो हमने आपको बताया कि सलमान खान ने ये कहा, अब इसके बाद मैडम ने आज सुबह सुबह ही एक ट्वीट मार दिया और जो है कुछ रुबीना के बारे में कहा, फिर उसके बाद एक ट्वीट और रुबीना का फेवर करते हुए उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद एक ट्वीट और करती है मैडम, और फिर उसमें कहती हैं कि भाई ये सब खेलना बंद करो, यानी बिग बॉस को लेकर, और वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, और ये सब चीजें। उसके नीचे तहसीन पूनावाला जो कि सीजन 13 के कंटेस्टेंट थे, काफी महंगे कंटेस्टेंट थे, काफी कम दिनों में वो बाहर हो गए, तो उनका ट्वीट आता है, और उनके ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए डेवोलिना भट्टाचार्य कहती हैं कि भाई आपकी तारीफ करना पड़ेगी और मैं मानती हूँ आपको, क्योंकि आपने सिद्धार्थ और आपके बीच में जो एक कन्वर्सेशन हुई थी, जो चीज हुई थी, उसको आपने बिना चीखे चिल्लाए कितना सिंपल वे में सॉल्व कर लिया था, सॉर्ट आउट कर लिया था। तो मैं मानती हूँ बिना चीखे चिल्लाए भी चीजें हो सकती हैं, जैसा कि आपने किया था। किसको बोल रही है यहाँ? सिद्धार्थ शुक्ला को, क्योंकि बात ही सिद्धार्थ शुक्ला की हो रही है। तो भाई इस बार शहनाज को टारगेट नहीं कर पाई तो उनके बेटर हाफ को टारगेट किया है, यानी सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट किया है, और मैडम शायद टारगेट बनाने के लिए कोई ना कोई निशाना ही ढूंढती हैं। खैर अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, इन सब बातों से, क्योंकि सलमान खान खुद आते हैं और डायरेक्ट वे में कभी तो कभी इनडायरेक्ट वे में, लेकिन शहनाज की तारीफ बिना कुछ कहे कहकर चले जाते हैं और करके चले जाते हैं, और देश का एक इतना बड़ा स्टार यानी सलमान खान, द सलमान खान, खुद शहनाज गिल की तारीफ करते हैं, तो शहनाज कहाँ स्टैंड करती हैं ये तो लोग समझ ही सकते हैं। पहले इस पर आपका क्या है कहना कमेंट करके बताइए, वीडियो को कीजिए लाइक, और ऐसी ही खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।